मदद। ये है प्यारी सी सी हॉर्स। इसका नाम था एमी। ये बहुत मेहनती थी। ये एक रेस्टोरेंट चलाती थी। इस वक्त लंच टाइम था। बहुत सारे भूखे समुद्री जानवर दोपहर के खाने के लिए यहाँ आ रहे थे। एमी इतने सारे ग्राहकों को देखकर बहुत खुश थी। ओकी द ऑक्टोपस यहाँ समुद्री जड़ी बूटियों का सूप पीने आई थी। शटर बटर द शार्क ने एक पाई का ऑर्डर दिया था जो वो हमेशा एक ही रुक में खा जाया करती थी। और ये है क्रंचर द क्रैब। इसने पिंक मशरूम की एक बड़ी प्लेट का ऑर्डर दिया था। एमी बहुत खुश थी। उसे अपने दोस्तों को खुश करके बहुत अच्छा लगता था। इतने बड़े समुंदर में वो सबसे बेहतरीन शेफ थी। इसने किचन में बहुत सा काम किया। इसने पाई के लिए पेस्ट्री बेली, साथ साथ इसने सूप में चम्मच चलाया और फिर मशरूम काटे। जब वो लोगों को खाना पेश करती तो खुशी भरी आवाज़ें एमी के कानों से टकराती। लेकिन एक मुश्किल थी, काफ़ी बड़ी मुश्किल। वो ये कि वो अपने छिलेदार दुम के साथ सिर्फ एक वक्त में एक ही डिश चला सकती थी। लेकिन बहुत सारे भूखे ग्राहक इंतज़ार कर रहे होते थे। एमी जल्दी से कभी अंदर तो कभी बाहर आ जा रही थी। एक के बाद दूसरा खाना रेस्टोरेंट के किचन से तैयार होकर आ रहा था। एमी बहुत परेशान हो गई। वो थकने लगी थी। चीज सर्व करने में, अंदर बाहर आने जाने में बहुत मसरूफ थी। उधर किचन में क्या हो रहा था वहाँ देखने के लिए कोई भी ना था। सूप पक पक कर उबल रहा था। पहले पहल तो सूप चूल्हे पर गिरता रहा, फिर किचन के फर्श पर भी बिखरना शुरू हो गया। एमी को मसरूफियत से जैसे ही वक्त मिला तो उसने किचन में देखा कि सूप गिर गिर कर सारा फर्श पर फैल चुका है। वो पहले ही बहुत थकी हुई थी। ओफ, क्या मुसीबत है। इस दौरान रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। खाना बहुत मजे का था। कुछ देर गुजरी तो ओकी ऑक्टोपस परेशान होकर सोचने लगी कि उसका सूप अभी तक नहीं आया। उसने सोचा कि वो एमी को जाकर देखे। वो काफी देर से किचन से नहीं निकली। जब ओकी ने किचन का दरवाजा खोला तो इतना सारा गंद देखकर उसको अपनी आंखों पर यकीन ना आया। और उसकी बेचारी दोस्त खुद ही इतना सारा गंद समेट रही थी। एमी, ये सब क्या हुआ? एमी ने अपनी दोस्त को बताया कि वो बहुत मसरूफ थी और सूप देखने के लिए कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से ये सब हुआ। ओकी ने उसके कंधे पर थपकी दी। तुम बहुत ही अच्छी सी हॉर्स हो, तुम्हें सिर्फ मदद की जरूरत है। और दोस्त इसीलिए तो होते हैं। हाँ, ये तो है, एमी ने सर हिलाया। मगर ये मेरा रेस्टोरेंट है और मुझे इसके चलाने के काबिल होना चाहिए। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, मगर जहाँ जरूरत हो वहाँ दूसरों से मदद जरूर लेनी चाहिए। ऑक्टी उस वक्त का सोचकर मुस्कुराई जब उसे भी मदद की जरूरत थी। एमी, क्या तुम्हें याद है जब मेरे बाजू पर चोट लग गई थी तो क्रंचर क्रैब ने मेरी पट्टी की थी? और वो याद है जब मेरी ऐनक गुम हो गई थी और हम सब ने मिलकर आधा समुंदर जान मारा था? एमी हंसी। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। वो वक्त याद करो जब तुमने मुझे समुद्री नमक से दलिया बनाना सिखाया था। हाँ, मुझे याद है, एमी ने कहा। कुछ देर के लिए खामोशी रही। फिर ओकी ने कहा, तो फिर आओ मैं तुम्हारी मदद करूँ। मैं बहुत सी प्लेट एक साथ लेकर जा सकती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे बाजू हैं। तुम इस दौरान किचन पर अच्छे से ध्यान देना। और इस दौरान दोनों दोस्तों को ज्यादा टाइम नहीं लगा। किचन भी पहले की तरह साफ सुथरा हो गया और डिशेस भी बनने लगी। ओकी ने अपनी डिलीवरी की महारत दिखाई। वो 8 प्लेटें एक ही दफा में उठा कर ले जाती। जब सब खाना खा कर जा चुके तो एमी बोली, बहुत शुक्रिया ओकी, मैं तुम्हारे बगैर ये कभी भी नहीं कर पाती। और आज मुझे तुम्हारी वजह से समझ आई कि जब जरूरत हो तो वाकई मदद के लिए किसी को बुलाना बुरी बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में जॉब करोगी? मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम दोनों दोस्त इकट्ठे काम करें। ओके, बहुत खुशी हुई और उसने खुशी से तालियां बजाई। जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों, आज इस कहानी से हमने जो सबक सीखा वो ये कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वो जो वक्त पर काम आए। जब कोई काम वाकई हम अकेले ना कर सकते हो तो उसके लिए किसी दूसरे से मदद ले लेना कोई बुरी बात नहीं है।
हाँ, मगर मेहनत से जी चुराने के लिए दूसरों को खामखा तंग करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे घर वालों, दोस्तों, करीबी रिश्तेदारों में से जिसको भी मदद की जरूरत हो, हमें भी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।